चंबा की सरौल पंचायत के रोड़ी गांव में पानी की समस्या को लेकर क्षेत्र की महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त चंबा से मिला। महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में 3 हैडपंप हैं, लेकिन काफी समय से इन 3 हैडपंपों में पानी नहीं आ रहा है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान लोगों ने समस्या से संबंधित एक ज्ञापन पत्र भी उपायुक्त को सौंपा। हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और हम सब जगह जाके आए हैं, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है। हम उदयपुर भी जाके आए हैं, सब जगह गए हैं, पर कहीं भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे हैंडपंप खराब है और वहाँ पे पानी नहीं है, हमें दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। हम छोटे छोटे बच्चों वाले हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम रहती है। और आज हम DC के पास अपनी बात लेकर जा रहे हैं। नाम उमा देवी है, गांव रोड़ी डागर सरोल पंचायत हरिपुर के हम स्थायी निवासी है। जो हमें 3-4 माह से कम पानी की दिक्कत आ रही है। हम सब जगह जाके गए हैं, प्रधान के पास भी गए हैं और उदयपुर में डिपार्टमेंट के पास भी गए हैं, इधर चंबा में भी गए हैं। हमें कोई पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। हमारे पास गाय है, हमें पानी की बहुत दिक्कत है। हम इतने दूर से पानी लाते हैं, हम रात को भी पानी भरते हैं। तो ये है, हम अब जिलाधीश के पास आया है कि हमारी जो प्रॉब्लम है कृपया करके उसे सॉल्व किया जाए और हमारे जितने भी हैंडपंप हैं उनको ठीक किया जाए और हैंडपंप में मोटर लगाई जाए। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।